हेलो फैमिली। तो ट्विटर के ऊपर कार्तिक आर्यन ने पोस्ट कर दिया है अपनी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर। फिल्म का नाम है चंदू चैंपियन, डायरेक्टेड बाय कबीर खान एंड प्रोड्यूस बाय साजिद नडियाद्वाला। देखो भाई, सत्यप्रेम की कथा की बात करें तो साजिद नडियाद्वाला एंड कार्तिक आर्यन की जोड़ी ने कमाल किया है। एक बढ़िया फिल्म जनता को देखने मिली, एक ओरिजिनल एंड यूनिक स्टोरी के साथ वेल मेड प्रोजेक्ट था सत्यप्रेम की कथा, इसलिए जनता ने भी उसको दिल खोलकर प्यार दिया है। देखो यार, सच बताओ तो सत्यप्रेम की कथा को लेकर रिलीज से पहले इतनी ज्यादा कोई हाइप नहीं थी, लेकिन इस फिल्म ने कॉन्टेंट के दम पे जनता का दिल जीता है और ये फिल्म सक्सेसफुली थिएटर में चल रही है। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो देख लेना, वर्थ वॉचिंग क्रिएशन है। खास करके कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग के लिए ये फिल्म बाद में अभी जब मन करे तब देखना, लेकिन देखना जरूर। तो भाई बात ये है कि यही प्रोड्यूसर एक्टर की हिट जोड़ी यानी कि कार्तिक आर्यन एंड साजिद नडियाद्वाला की जोड़ी फिर एक बार आ रही है, तो हम लोगों को फिर से कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस फिल्म के बारे में और इसको जाने के बाद आपकी भी उम्मीदें इस फिल्म से बढ़ जाएगी। चंदू चैंपियन के अंदर कार्तिक आर्यन के किरदार का नाम होगा चंदू, जो की होगा एक स्पोर्ट्समैन। हमने कार्तिक आर्यन को पहले ऐसे किरदार में कभी नहीं देखा है, तो एक तो ये एक्साइटमेंट कि कार्तिक आर्यन ऐसे किरदार में कैसे लगेंगे, और जिस तरीके से ये बंदा हर फिल्म के अंदर अपने एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के लेवल को ऊपर लेता जा रहा है, इस फिल्म के अंदर भी फाड़ देगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो चंदू चैंपियन इस फिल्म की कहानी एक स्पोर्ट्समैन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होगी। अब ये कौन सा स्पोर्ट्स होगा और कौन से प्लेयर से इंस्पायर्ड है ये किरदार और ये फिल्म, ये फिलहाल नहीं पता है, लेकिन इसके अनाउंसमेंट पोस्टर के ऊपर एक सॉलिड लाइन लिखी है। यहां पर लिखा है द ट्रू स्टोरी ऑफ man who refused to surrender, एक ऐसा इंसान की कहानी जिसने सरेंडर करने से, झुकने से मना कर दिया, यानी कि ये एक इंस्पिरेशनल फिल्म होगी। और इसको डायरेक्ट करने वाला है कबीर खान, यानी कि इस फिल्म को बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा, ये भी क्लियर है। वैसे कबीर खान और कार्तिक आर्यन आई थिंक फर्स्ट टाइम ही कॉलैब कर रहे हैं आई एम श्योर, तो देखते हैं क्या कमाल होता है। ये फिल्म आने वाली है 2024 की ईद पर, यानी कि 14th June 2024। मतलब कार्तिक भाई धड़ाधड़ फिल्म्स कर रहे हैं, वो भी हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश करना, ये काबिले तारीफ है। एक फिल्म थिएटर में सक्सेसफुली चल रही है और दूसरी का अनाउंसमेंट कर दिया, क्या बात है। सत्यप्रेम की कथा में यूथ को एक सॉलिड मैसेज दिया गया था, और जितना इस फिल्म के बारे में अभी पता है चंदू चैंपियन के बारे में, इस फिल्म के अंदर भी एक सॉलिड मैसेज होगा। तो फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी कास्ट क्या होगी, फिल्म का एग्जैक्ट प्लॉट क्या होगा, इन सब के बारे में जैसे ही कुछ अपडेट्स आएंगे हम आपको जरूर से बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड कार्तिक आर्यन से आपकी क्या उम्मीद है कमेंट करके जरूर से बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।